सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा पहुंचे राम जन्मभूमि परिसर। राम जन्मभूमि में किया दर्शन और पूजा अर्चना, रामलला के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। अयोध्या महोत्सव के आपको बता दें समापन के लिए पहुंचे हैं अयोध्या। उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ वार्ता की। और अयोध्या से आपको एक खबर बता रहे, जहां पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंचे राम जन्मभूमि परिसर। राम जन्मभूमि में उन्होंने दर्शन किए और पूजा अर्चना की। अयोध्या महोत्सव के समापन के लिए पहुंचे अयोध्या। उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ वार्ता भी की। अयोध्या से एक खबर, जो आप डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा पहुंचे राम जन्मभूमि परिसर, रामलला के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। अयोध्या महोत्सव के समापन के लिए पहुंचे हैं अयोध्या डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। उच्च माध्यमिक शिक्षा के अधिकारियों से मुलाकात की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सूरज सिंह अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सूरज, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है अभी तक डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के दौरे को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आज सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी अयोध्या आए हुए हैं और अभी उन्होंने जो है रामलला के दर्शन किया है जन्मभूमि के अंदर। अभी से कुछ ही समय पहले रामलला के दर्शन करने के बाद उप मुख्यमंत्री अभी हनुमानगढ़ी गए हैं, वहां पर उन्होंने मत्था टेकाया और इसके बाद अब अभी प्रेजेंट टाइम में वो जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी हैं उनके साथ में बैठक कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी तो उन्हें दर्शन पूजन कर लिया, अभी बैठक कर रहे हैं और इसके बाद में आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री जो है अयोध्या में जो अयोध्या महोत्सव चल रहा है उसी के लिए यहाँ पर आए हुए थे, उसके समापन कार्यक्रम को लेकर के आज उनका आगमन हुआ था। तो अभी वो जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनके साथ बैठक कर रहे हैं और बैठक के बाद फिर जो अयोध्या महोत्सव का समापन होना है उसमें हिस्सा लेंगे। जी सूरज, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आज, क्योंकि अयोध्या महोत्सव के समापन के लिए पहुंच रहे हैं वो, आपसे जानना चाहेंगे अयोध्या महोत्सव के बारे में। देखिए अयोध्या महोत्सव जो है ये निरंतर ये कार्यक्रम हर साल होता है अयोध्या महोत्सव, जहाँ पर जो है कई बड़े स्टार आते हैं। अभी पिछले दिनों जो है भोजपुरी के स्टार आए हुए थे, तो यहाँ पर कई स्टार आते हैं और एक प्रकार से भव्य मेले का आयोजन, मेले के तौर पे जो है आयोजन किया जाता है, जहाँ पर लगभग अयोध्या वासी आते हैं और बाहर से भी लोग आते हैं जो सामानों की खरीदारी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही लोकप्रिय, अयोध्या के लोकप्रिय जो है महोत्सव है, मेला इसको कह सकते हैं। और उसी को लेकर के आज सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा अयोध्या आए हुए हैं और वो उसमें हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि जो है अभी जो ये माध्यमिक शिक्षा परिषद की बैठक चल रही है, इसके बैठक के बाद, बैठक समाप्त होने के बाद जयपुरिया कॉलेज में बैडमिंटन का जो हॉल है उसका भी जो है लोकार्पण करेंगे सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा। लोकार्पण के बाद जो है जो अयोध्या महोत्सव चल रहा है उसमें हिस्सा लेंगे। जी बैडमिंटन आपने बताया कि जहाँ पर बैडमिंटन खेल सकते हैं उसका लोकार्पण करेंगे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। उसकी कितनी डिमांड रही है और कितनी जरूरत रही है स्टेडियम की? देखिए बिल्कुल आपको बता दें, कहीं ना कहीं जो है जो बैडमिंटन है ये लोकप्रिय खेल तो है ही है और ये जो जयपुरिया कॉलेज है इसमें बैडमिंटन के लिए भी बहुत, मतलब जो प्रोत्साहन देने के लिए कह सकते हैं कि बैडमिंटन को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं जो है इसका जो है लोकार्पण करेंगे। और उसके बाद एक स्विमिंग पूल है उसका भी जो है लोकार्पण करेंगे दिनेश शर्मा जी। जी सूरज, आपसे जानना चाहेंगे तैयारियों की अगर बात करें तो किस तरीके से तैयारियां की गई है प्रशासन की तरफ से? देखिए आपको बिल्कुल बता दें कि जो जयपुरिया कॉलेज है वहां पर बिल्कुल फोर्स का अमला एक तैयार है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कहीं भी अयोध्या पुलिस प्रशासन किसी भी चूक को नहीं करना चाहती है। बिल्कुल पुलिस प्रशासन कह सकते हैं कि अलर्ट है और हर चेक पोस्ट पर जो है चेकिंग की जा रही है, बैरिकेड्स पे चेकिंग किए जा रहे हैं क्योंकि उप मुख्यमंत्री का दौरा है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में कोई चूक ना हो इस वजह से जो है जो सुरक्षा के इंतजाम है वो कहीं ना कहीं कड़े किए गए हैं। आपको बता दें कि जो अयोध्या महोत्सव चल रहा है वहां पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा फोर्स का अमला तैयार किया है, वो वहां पर जो है लगातार जो है सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहा है और एकदम अपनी निगाह बनाए हुए है। जी जी बिल्कुल सूरज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें आपको कि अयोध्या पहुंच चुके हैं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और राम जन्मभूमि पहुंचकर उन्होंने रामलला के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। इसके बाद अभी वो उच्च अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं, बैठक ले रहे हैं, उसके बाद फिर जयपुरिया कॉलेज जाएंगे जहां पर वो बैडमिंटन के स्टेडियम का लोकार्पण करेंगे। एक तरीके से उन लोगों को ये प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिनको बैडमिंटन के खेल में काफी रुचि है। और आपको बता दें कि अयोध्या महोत्सव का समापन भी आज दिनेश शर्मा करेंगे।